हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विनकर एजुकेशन। विनकर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में फ्रेंड्स आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऐसे टॉपिक के बारे में जिसकी वैकेंसी अभी ही आई हुई है, और आप ये देखेंगे फ्रेंड्स कि आरआरबी ने बहुत सारी वैकेंसी इस पर निकाली हुई है, नंबर ऑफ पोस्ट इसमें ज़्यादा है। और फ्रेंड्स, हम ये देखेंगे इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको किन किन सब्जेक्ट पे फोकस करना पड़ेगा, कैसे आप स्ट्रेटजी डिजाइन करेंगे कि आप इस एग्जाम में सिलेक्ट हो सकें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपसे कि इस एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें आ रहा है आपका मैथमेटिक्स, फिर आ रहा है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, फिर थर्ड नंबर पे आपको पूछेगा फ्रेंड्स जनरल साइंस, और आपसे पूछने वाला है जनरल अवेयर्स एंड करेंट अफेयर्स। सबसे पहले तो मैं ये बात करता हूँ फ्रेंड, इसके बाद की जो स्लाइड्स हैं उसमें मैं आपको इनका डिटेल सिलेबस बताने वाला हूँ। हर चार मेरे पास में सेक्शन है, चारों सेक्शंस का मैं आपको डिटेल सिलेबस बताने वाला हूँ कि इन सब्जेक्ट्स में क्या क्या क्वेश्चन वो पूछने वाला है, किन किन टॉपिक से वो क्वेश्चन पूछने वाला है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये देखने जा रहे हैं कि जो मैथमेटिक्स का सेक्शन है उनमें से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम ये देख रहे हैं कि सबसे पहले जो फर्स्ट टॉपिक इन्होंने रखा हुआ है प्रीवियस ईयर के पेपर के अकॉर्डिंग, फ्रेंड्स मैं ये आपको बता रहा हूँ कि जो पहला टॉपिक है इनका नंबर सिस्टम है, बॉडमॉस है, डेसिमल्स है, फ्रैक्शंस है, एलसीएम एंड एससीएफ है, परसेंटेज है, मेंसुरेशन है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलजेब्रा, जियोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज एंड कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप्स एंड सिस्टम्स। तो फ्रेंड, इन टॉपिक्स में से आपको मैथमेटिक्स में क्वेश्चन दिखाई दे सकते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा कोई पर्टिकुलर डिसाइड नहीं है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये डिसाइड है फ्रेंड कि इन्हीं टॉपिक में से आपको क्वेश्चन आरआरबी के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप दूसरे एग्जाम से कंपेयर करें तो यही का यही सिलेबस फ्रेंड्स आपको एसएससी का मिलता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एसएससी का सिलेबस कवर कर रहे हैं तो आपको वो सिलेबस आपको आरआरबी में भी देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं रीजनिंग के सिलेबस में। लोको पायलट के एग्जाम के लिए फ्रेंड अब हम रीजनिंग के सिलेबस की बात कर रहे हैं। रीजनिंग का सिलेबस देखते हैं फ्रेंड कि कौन कौन से टॉपिक्स इसमें आ सकते हैं। देखिए फ्रेंड, रीजनिंग के सिलेबस में सबसे पहले एनालॉजीज है, उसके बाद में अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप्स, सिलॉगिज्म, जंबलिंग्स, वेन डायग्राम, डेटा इंटरप्रिटेशंस एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट एंड अजम्पशन। तो फ्रेंड्स, ये 15 टॉपिक्स आपके कवर कर रहा है आरआरबी में। इन टॉपिक्स से हो सकता है फ्रेंड्स कि आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले। फ्रेंड्स, अब हम ये देखने जा रहे हैं कि जो जनरल साइंस होगा, जनरल साइंस में आपका क्या क्या कवर होने वाला है। फ्रेंड्स देखते हैं, इसमें फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और साइंस आपको पूछी जाएगी फ्रेंड्स 10th स्टैंडर्ड लेवल की, जिसमें आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका होगा जनरल अवेयर्स, अवेयरनेस ऑन करेंट अफेयर्स। इसमें आपको फ्रेंड जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो होंगे आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से एंड पॉलिटिक्स से। तो फ्रेंड्स, इन टॉपिक्स में आपको आरआरबी में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस आप वन बाय वन देखते जाइए, और मैं आपको इसके बाद पूरा सिलेबस आरआरबी का कवर कराने वाला हूँ फ्रेंड।